हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनीवुड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों निकम्मा, जी हाँ दोस्तों, हमारे मैंने प्यार किया की आइकॉनिक एक्ट्रेस भाग्यश्री का लड़का है दोस्तों अभिमन्यु। दोस्तों उनकी एक मूवी तो OTT प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी सानिया मल्होत्रा के साथ रिलीज हुई थी, बट वो मूवी ज़्यादा चली नहीं। लेकिन दोस्तों अभी शब्बीर खान, जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने टाइगर श्रॉफ को लॉन्च किया हीरोपंती के डायरेक्टर शब्बीर खान ने एक मूवी बनाई है जिसका नाम है दोस्तों निकम्मा। जी हाँ दोस्तों, और ट्रेलर आ गया है दोस्तों निकम्मा का। यह मूवी 17 जून को रिलीज हो रही है अगले महीने। दोस्तों हम अगर पहले तो हम ट्रेलर की बात करते हैं कि ट्रेलर कैसी है, बाद में बात करेंगे कि कौन सी मूवी का ये रीमेक है। दोस्तों ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर काफ़ी अच्छी बनाई है, कोई कमी नहीं है ट्रेलर में। जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होती है, जैसे कि एक निकम्मा, जी हाँ दोस्तों आपको पता ही है कि निकम्मा किसको कहते हैं, घर में काम नहीं करना, दिन भर सोना, बैठ के सिर्फ रोटी तोड़ना, मतलब कि आलसी को निकम्मा कहते हैं। दोस्तों इसमें एक डायलॉग है कि जब फैमिली पे मुसीबत आती है तो काम में निकम्मे ही आते हैं, ये डायलॉग मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। उसके बाद जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाया काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, मतलब कि एक चीज़ बोल सकते हैं कि ट्रेलर में कोई कमी नहीं है, ट्रेलर बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, बहुत मज़ेदार ट्रेलर है दोस्तों। अब बात करेंगे हम कि किस मूवी का ये रीमेक है। मिडिल क्लास अब्बाई, शॉर्ट में बोले तो MCA, एक मूवी आई थी तेलुगु सुपरस्टार बोले तो नेचुरल स्टार नानी की एक तेलुगु मूवी है दोस्तों, और बताया जा रहा है कि ये मूवी का ही रीमेक है। अभी देखो दोस्तों, जाहिर सी बात है मैं जब ट्रेलर देखा तो मेरे को लगा यार कुछ ओरिजिनल है ये, लेकिन जब मैं कुछ लोगों का ट्विटर पे देखने लगा कि यार कोई कमेंट्स कर रहे कि ये तो ये तेलुगु मूवी का रीमेक है, तो मैं नोटिस किया। फिर जाके वापस से मैं MCA का मैं ट्रेलर देखा तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता दोस्तों। देखो अभी सेम टू सेम नहीं बनाया, लेकिन उस मूवी में भी नेचुरल स्टार नानी जो है वो निकम्मा रहते हैं, और उनकी जो बहन उमिका चावला रहती है उनकी बहन, और साई पल्लवी इसमें लीड एक्ट्रेस हैं दोस्तों। वो काफ़ी अच्छी मूवी थी दोस्तों। अभी देखते हैं शब्बीर खान इस मूवी को कैसे डायरेक्ट किया, लेकिन ट्रेलर बहुत अच्छी है। शिल्पा शेट्टी भी है इस मूवी में, जो एक उनकी एंट्री होती है, सुपर हीरो होता ना, सुपर लेडी सुपर हीरो, उस तरीके से एंट्री हुई है शिल्पा शेट्टी की। बट मूवी के अंदर शिल्पा शेट्टी का भी काम बहुत मज़ेदार दिख रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं ट्रेलर को एक चीज़ बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी है, ऑडियंस को ट्रेलर अच्छी लगी। अभी मूवी कैसी है वो तो 17 जून को जब आएगी बड़े स्क्रीन पे तो पता चलेगा कि मूवी कितनी मज़ेदार बनी है और कितनी इंटरेस्टिंग बनी है दोस्तों। लेकिन यार क्या यार, ये साउथ का ही रीमेक निकला यार, मेरे को लगा कुछ ओरिजिनल होएगा, बट देखते हैं दोस्तों। अगर ट्रेलर की रेटिंग की बात करें तो इस ट्रेलर को दूंगा दोस्तों मैं 3 स्टार, काफ़ी अच्छी है। देखते हैं उसके बाद का मूवी देखने के बाद ही। बस भाई कैसी लगी आप लोगों को ट्रेलर, आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।